हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन की। एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है फाइंड पाइथन में, जहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है। इसमें ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है हमने, और यहां पर हेलो यू आर विद सूरज सर ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें बीच बीच में गैप भी दिए गए हैं, कैरेक्टर्स आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे 3, 2, 5, 1, 6 गैप को लेकर के 6, 7, 8, 9 ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये गैप 25। 25 के बाद ये सर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और यहां पर b इज इक्वल टू ए डॉट फाइंड सर, ऐसा ही यार लिखा है मैंने। तो यहां पर 25 आना चाहिए, रिजल्ट 25 आना चाहिए, क्योंकि 25 से ही सर स्टार्ट है। ये जो सर लिखा हुआ है यहां पर काउंट करिएगा तो 25 से स्टार्ट है। तो फाइंड वाला फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं और इस प्रोग्राम को चला रहा हूं, तो यहां देखिए रिजल्ट में हमें 25 ही मिल रहा है, देख सकते हैं। इस बार हमने यू लिख दिया है, अब ये काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 नंबर पे यू मिलेगा आपको। यहां पर अगर मैं रन करवाता हूं तो आउटपुट में 6 आ रहा है, देख सकते हैं। इसी तरीके से R को अगर ले लेते हैं, तो यहां अगर मैं R लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने A R E R, ठीक है, तो यहां पर काउंट कर सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9। यहां पर इसको अगर मैं रन करवाता हूं तो आउटपुट में 10 आएगा, क्योंकि 9 के बाद 10 नंबर पे ये है, देख सकते हैं। इसी तरीके से विथ पे जाएंगे तो यहां पर अगर मैं विथ लिख देता हूं, ठीक है, तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हम, तो अगर मैं यहां पर विथ लिख देता हूं और इसको रन करवाता हूं तो यहां पर 14 आ रहा है। अब 14 कैसे आ रहा है, क्योंकि ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, गैप 7, 8, 9, ये गैप 10, 11, 12, 13, और यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 14 पे है, ध्यान दीजिएगा ये 14 पे है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सूरज को एक्सेस करेंगे तब क्या होगा, तो यहां पर 15, 16, 17, 18, 19 आएगा। अगर मैं सूरज यहां लिख देता हूं तो 19 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो आप आसानी के साथ आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर ये 19 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम फाइंड है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।